अनंदापुर नाम के गांव में पीयूष नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। पीयूष की माँ लोगों के घरों में जूठे बर्तन साफ करने का काम करती थी। फिर एक दिन अचानक पीयूष की माँ आरती चक्कर खाकर सड़क पर गिर जाती है। तभी कुछ लोग उसे उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ की बुरी हालत देख पीयूष को बहुत दुख होता है। वो फौरन दौड़कर डॉक्टर को बुला लाता है। फिर डॉक्टर पीयूष की माँ का चेकअप करने के बाद कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ बहुत कमजोर हो गई है। अगर तुम अपनी माँ को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हो तो इसे अच्छा पौष्टिक खाना खिलाओ, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पीयूष की माँ की लगातार तबीयत खराब होने की वजह से वो काम पर नहीं जा पाती और घर में पैसों की परेशानी शुरू हो जाती है। फिर पीयूष खुद पैसे कमाने का फैसला करता है। इसके बाद पीयूष कॉलेज के सामने गोलगप्पे की छोटी सी दुकान खोलकर वहां गोलगप्पे बेचने लगता है। उसके गोलगप्पे बहुत ही स्वादिष्ट थे, इस वजह से धीरे धीरे ग्राहकों के साथ साथ उसकी भी आमदनी बढ़ने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चल जल्दी से दो प्लेट गोलगप्पे और एक प्लेट तीखी चटपटी चाट लगा दे। अंजलि दीदी, तुमने पहले के 500 रुपए नहीं दिए, तुम्हारी उधारी बहुत ज्यादा हो गई है, आज मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे मैं तेरे पैसे लेकर कहीं नहीं भागने वाली, क्यों चिंता करता है, अगले हफ्ते मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, आप याद से मेरे पैसे दे देना। उसके बाद पीयूष अंजलि को गोलगप्पे और चाट खिला देता है। दूसरी तरफ पीयूष गोलगप्पे बेचकर जो भी पैसे कमाता था वो पैसे अपनी माँ की दवाई और उसे अच्छे खुराक खिलाने में खर्च कर देता था। फिर एक दिन अंजलि अपनी कुछ सहेलियों के साथ पीयूष के पास आती है। सुन पीयूष, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुझे मेरे बर्थडे पार्टी में गोलगप्पे खिलाने का ऑर्डर दे रही हूँ। शाम को ठीक 6 बजे मेरे घर पर आ जाना। ये सुनकर पीयूष खुश हो जाता है। फिर शाम होते ही पीयूष ढेर सारे गोलगप्पे लेकर अंजलि के घर पहुंच जाता है और मेहमानों को गोलगप्पे खिलाने लगता है। फिर सारे मेहमान जाने के बाद पीयूष अंजलि से अपने गोलगप्पे के पैसे मांगता है। दीदी चलिए अब मेरे पैसे दे दीजिए, कुल मिलाकर 10,000 रुपए होते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, अभी अभी तो मेरी बर्थडे की पार्टी खत्म हुई है और तू मुझसे पैसे मांगने लगा। चल तू अभी यहाँ से जा, मैं अगले हफ्ते तुझे तेरे पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा गजब मत करो, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं किसी तरह अपनी माँ की दवाई का खर्च उठाता रहूं। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाऊंगा। देख आज मेरा बर्थडे है, बेकार में मेरा मूड खराब मत कर, चल जा यहाँ से। इस तरह अंजलि पीयूष को डांट के वहाँ से भगा देती है। बेचारा पीयूष रोता हुआ अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में एक पेड़ पर बैठी कोयल पीयूष को रोते हुए देख लेती है। फिर वो कोयल उड़ती हुई पीयूष के सामने पहुंच जाती है। क्या हुआ लड़की, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो, आखिर बात क्या है? पीयूष कोयल को अंजलि के बारे में सब बता देता है। अंजलि के बारे में सुनकर कोयल को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद कोयल पीयूष की मदद के लिए उसे एक बहुत बड़ा जादुई पंख देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन पीयूष गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में अंजलि अपनी सहेलियों के साथ वहां गोलगप्पे खाने आ जाती है। आज तुम सबको मैं गोलगप्पे खिलाऊंगी। ए पीयूष,
चल जल्दी से मुझे और मेरी सहेलियों को ढेर सारे गुलगप्पे खिला। लेकिन तभी पीयूष की दुकान पर रखे जादुई पंख के अंदर से ढेर सारे बड़े बड़ी लाल मिर्च बाहर निकलकर अंजलि के मुंह के अंदर जाने लगती है। हाय मर गई रे, मेरा मुंह जल गया, कोई मुझे पानी दे दो, कोई तो पानी दे दो। फिर अगले ही पल जादुई पंख के अंदर से एक मटका बाहर निकल आता है और उस मटके में तीखा पानी भरा हुआ था। वो सारा पानी अंजलि के ऊपर गिर जाता है। अरे मर गई रे, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई मुझे बचाओ। तभी उस जादुई पंख से आवाज आती है, अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है तो चुपचाप पीयूष की सारी उधारी चुका दे, वरना मैं तुझे ले जाकर मिर्च के तालाब में डुबा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं अभी पीयूष के सारे पैसे देती हूँ। उसके बाद अंजलि पर्स से पैसे निकालकर पीयूष को दे देती है। उस दिन के बाद से अंजलि दोबारा पीयूष की दुकान के आसपास भी नहीं भटकती। फिर पीयूष गोलगप्पे बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाता है और अपनी माँ का अच्छी तरह इलाज करवा के खुशी से रहने लगता है। किसी गांव में पीयूष नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। पीयूष की माँ राजकुमारी के कमरे के बाहर पहरा देने का काम करती थी। फिर एक दिन पीयूष की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। बेटा पीयूष, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए आज मैं महल नहीं जा पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तू मेरी जगह राजकुमारी के कमरे में पहरा देने चला जा। ठीक है माँ, तुम आराम करो, आज रात मैं राजकुमारी के कमरे के बाहर पहरा दूंगा। उसके बाद पीयूष महल पहुंच जाता है और राजकुमारी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर करीब आधी रात को दो खतरनाक आदमी चोरी छुपे महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर वो दोनों राजकुमारी के कमरे के पास पहुंचकर खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी पीयूष उन दोनों को देख लेता है। ठहर जाओ, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? अरे इस लड़के ने तो हमें देख लिया, चलो इस लड़के को खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम राजकुमारी को अगवा करके यहाँ से ले जाएंगे। फिर वो दोनों चोर पीयूष पर हमला कर देते हैं। पीयूष अपनी तलवार निकालकर उनके साथ लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी एक चोर पीछे से पीयूष के सर पर वार कर देता है और पीयूष बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बाद वो दोनों चोर राजकुमारी के कमरे में दाखिल होकर उसे अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर सुबह राजकुमारी के गायब होने की बात पूरे महल में फैल जाती है। क्यों रे लड़के, तू तो रात को यहाँ पहरा देने आया था ना, आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई? कल रात को दो लुटेरे यहाँ आए थे, उन दोनों ने मुझ पर हमला करके मुझे बेहोश कर दिया, उसके बाद वो दोनों राजकुमारी को अपने साथ ले गए। तभी वहाँ निर्मला आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं यहाँ होती तो मैं उन लुटेरों को मजा चका देती। अब तेरी सफाई की कोई जरूरत नहीं है, तूने अपने बेटे को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुन लड़के, मुझे अपनी बेटी जान से ज्यादा प्यारी है, अगर कल तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं तेरी माँ को फांसी के तख्ते पर लटका दूंगी, चल जल्दी से जा और मेरी बेटी को ढूंढ कर ले आ। फिर रानी के इशारे पर सैनिक निर्मला को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल देते हैं। फिर बेचारा पीयूष अपनी माँ की जान बचाने के लिए राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ता है। पूरे दिन भटकने के बाद भी पीयूष को उन दोनों लुटेरों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर थक हार कर पीयूष एक गुफा के सामने बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। तभी अचानक उस गुफा के अंदर से एक बुढ़िया बाहर निकलकर पीयूष के पास आती है। क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? पीयूष बुढ़िया को अपने साथ हुई सारी घटना बता देता है।
अगर मैंने जल्द से जल्द राजकुमारी का पता नहीं लगाया तो मेरी माँ को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पीयूष को रोते देख बुढ़िया को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद बुढ़िया पीयूष को अपनी गुफा के अंदर ले जाती है और वहाँ रखा एक बड़ा जादुई आईना पीयूष को दिखाते हुए कहती है, बेटा ये जादुई आईना है, इसकी मदद से तुम दुनिया के किसी भी इंसान को अपने सामने प्रकट कर सकते हो। अब तुम इस आईने की मदद से आसानी से राजकुमारी को अपने पास बुला सकते हो। उसके बाद पीयूष बुढ़िया का धन्यवाद देकर जादुई आईने को लेकर महल चला जाता है। क्यों रे लड़के, तू तो खाली हाथ वापस आ गया, मेरी बेटी कहाँ है? आप चिंता मत करिए रानी जी, राजकुमारी अभी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद पीयूष जादुई आईने को बीच दरबार में रख देता है और मन ही मन राजकुमारी और उन दोनों चोरों को याद करने लगता है। फिर अगले ही पल वो दोनों चोर राजकुमारी के साथ उस आईने से बाहर निकलकर दरबार में प्रकट हो जाते हैं। ये देख सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? इससे पहले कि वो दोनों कोई हरकत करते, वहाँ मौजूद सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। अपनी बेटी को वापस पाकर रानी बहुत खुश होती है। इसके बाद रानी पीयूष की माँ को आजाद करके पीयूष को ढेर सारा इनाम भी देती है। फिर उस दिन के बाद से पीयूष जादुई आईने की मदद से लापता लोगों को पता लगाकर ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पीयूष कुछ ही समय में अमीर बनकर अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगता है।